और आगे बढ़ने से पहले हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मेजर गोगोई को जो भारतीय सेना ने सम्मानित किया है, उस सम्मान का जीप वाली घटना से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मेजर गोगोई को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में उनके द्वारा निभाई गई शानदार भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। बहुत सारे लोग इसे जीप वाली घटना से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन इस सम्मान के बाद भारतीय सेना ने यह इशारा जरूर कर दिया है कि उसे मेजर गोगोई पर गर्व है और पूरे देश को भी मेजर गोगोई पर उतना ही गर्व रहेगा। अब हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो कूटनीति की पिच पर नेट प्रैक्टिस तो बहुत करता है, लेकिन उसे मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान के साथ ऐसा ही कुछ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ। रियाद में रविवार को अरब इस्लामिक अमेरिकन समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 54 मुस्लिम देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इन देशों में पाकिस्तान भी शामिल था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पहुंचे थे। इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था आतंकवाद, जिस पर बोलने के लिए नवाज शरीफ ने लंबा चौड़ा भाषण तैयार किया था। नवाज शरीफ भाषण देने की तैयारी अपने प्लेन में भी करते रहे और यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने करीब 2.5 घंटे तक भाषण की तैयारी की, यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने 2.5 घंटे तक कूटनीतिक रट्टा मारा। लेकिन जब नवाज शरीफ रियाद पहुंचे तो उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया ही नहीं गया। नवाज शरीफ को दुनिया के ज्यादातर नेताओं ने नजरअंदाज कर दिया, जबकि नवाज शरीफ ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम देशों के बीच एक बड़ी ताकत है, इसलिए उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। नवाज शरीफ के साथ रियाद पहुंचे पाकिस्तानी पत्रकार अपने प्रधानमंत्री के भाषण का इंतजार करते रह गए, लेकिन नवाज शरीफ को भाषण देने के लिए किसी ने नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की सम्मेलन में खूब आवभगत हुई, लेकिन नवाज शरीफ को पूछने वाला कोई नहीं था। नवाज शरीफ चाहते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वक्त निकालकर उनके साथ भी बातचीत करें, लेकिन ट्रंप ने नवाज शरीफ से सिर्फ हाथ मिलाया। जबकि ट्रंप ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को नवाज शरीफ के मुकाबले ज्यादा वक्त दिया। ट्रंप ने शेख हसीना से तो यहां तक कहा कि वो जल्द ही बांग्लादेश आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की बेइज्जती का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की भी खूब बेइज्जती हुई। राहिल शरीफ इस वक्त 41 मुस्लिम देशों के मिलिट्री अलायंस को हेड कर रहे हैं, लेकिन राहिल शरीफ को वहां पर बोलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि इस मिलिट्री अलायंस को रियाद से ही ऑपरेट किया जाता है और इसीलिए राहिल शरीफ अब रियाद में ही रहते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद से पीड़ित कई देशों का नाम लिया। ट्रंप ने कहा कि भारत, रशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, लेकिन ट्रंप ने इन देशों के साथ पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। रियाद में नवाज शरीफ की जबरदस्त बेइज्जती से पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। वहां की विपक्षी पार्टियां नवाज शरीफ को एक नाकाम प्रधानमंत्री बता रही हैं। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, फिर भी सऊदी अरब में उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जबकि वर्ष 2016 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब पहुंचे थे, तब न सिर्फ उनका जोरदार स्वागत हुआ था, बल्कि सऊदी अरब ने उन्हें अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग कूटनीति की दुनिया को भी मजहब से जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं, दुनिया देर सवेर उन्हें अलग थलग कर ही देती है, और कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। क्या दुनिया का कोई नेता घंटों का सफर करके बेइज्जती कराने विदेश जाता है? अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस और परेशानी और गुस्सा भी आ रहा है, कॉम्बिनेशन हर चीज का, कि ये क्या पाकिस्तान के साथ खेल खेला जा रहा है। क्या दुनिया का कोई नेता ऐसा है जो भाषण की तैयारी करता रहे लेकिन उसे भाषण देने का मौका ही न मिले? वैसे तो हर जगह कहते रहते हैं कि पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम सराहते हैं, लेकिन आज देखिए क्या किया हमारे साथ इन्होंने, हमारा नाम तक नहीं लिया। क्या किसी परमाणु ताकत संपन्न देश का नेता
किसी सम्मेलन से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा के लौट सकता है। हॉल तक उनको अंदाजा था कि मुझे मेरा नाम बुलाया जाएगा और मैं तकरीर करूंगा, वो तकरीर लिखी हुई थी उन्होंने पूरी। इन सभी सवालों का जवाब है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। अल्लाह करे कि अकल आ जाए हमें, अल्लाह करे कि हम अपने इंडिपेंडेंट फैसले करने शुरू कर दें, क्योंकि उसी में हमारी बुका है, रोक लिया था। लानत है ऐसी दोस्ती। जिस समिट से भारत का कोई लेना देना नहीं था, वहां भारत के नाम की तो चर्चा हो गई, लेकिन जो पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देशों का लीडर मानता है, उसकी किसी ने सुध तक नहीं ली। इट्स हॉरिबल, मैं इससे ज्यादा कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता टीवी पे। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब यहाँ से जहाज से वो गए, वो ढाई घंटे तक जहाज में उनको तकरीर तैयार कराई जाती रही है। ये सलीम बुखारी साहब ने वहाँ से रिपोर्ट भेजी है, जो साथ थे वजीर आजम साहब के जहाज में बाकियों के साथ। ढाई घंटे तक वो कहते हैं कि जो प्रवास थी उसमें ढाई घंटे तक अपने कॉमरेड्स के साथ बैठ के तकरीर उन्होंने की है। उनका ख्याल था कि उनको दावत दी जाएगी कि वो आए और सरबराही कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर करें। और वो ये कहते हैं कि उसका दर्दनाक पहलू ये भी था, मुशीर खारजा सरताज अजीज और ना ही कोई दूसरा जिम्मेदार फॉरन ऑफिस का बंदा मौजूद था जो ये बता सकता है कि वजीर आजम को आपने उसको खिताब की, उनको मौका क्यों नहीं दिया। ये हम सब के लिए मायूसी भरा और बड़ा खतरनाक दिन था। ये बुखारी साहब कह रहे हैं जर्नलिस्ट के तौर पर कि हम जितने लोग गए हुए थे हमारे लिए ये बहुत एक खौफनाक दिन था, मायूसी भरा दिन था। और कॉन्फ्रेंस सेंटर से हर कोई बोझल दिल के साथ अपने होटल वापस गया। सऊदी अरब में कूटनीतिक बेइज्जती करवाने वाले नवाज शरीफ की घर में भी अब कूटनीतिक कुटाई हो रही है। पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, जिस मुल्क ने अमेरिका की जंग लड़ के 70,000 लोगों का अपना यहाँ उनको शहीद करवाए, हमारे जो लोग तबाही मची पाकिस्तान में, 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को, वो ट्रंप को पाकिस्तान याद ही नहीं आया और हिंदुस्तान की बात कर रहा था। पाकिस्तान में नवाज के इस अपमान से कोई शर्मिंदा है, कोई अफसोस में है, तो किसी के पास कहने के लिए शब्द भी नहीं। लफ्ज मेरा साथ छोड़ गए हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं कहां से शुरू करूं और किस चीज का रोना पहले रोऊं। वो किसी ने कहा था कि तमाशा देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। हम इतने तमतराज से एक डेलीगेशन लेके आए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी क्यादत की। हमारा ख्याल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के जो शाह हैं उसके बाद सबसे अहम जो शख्स होगा वहां पर वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा, इसलिए कि टेररिज्म के हवाले से जो रोल पाकिस्तान का रहा है, जो पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं, 70,000 के करीब अपने शहरी शहीद करवा लिए हमने, हमने 6,000 से 7,000 अपने फौजियों की जानों के नजराने पेश किए, और इसके बावजूद इतने बड़े थिएटर के अंदर हमारा तस्करा तक ना हो, ना होस्ट ने तस्करा किया, ना दूसरे जो उनके साथ को होस्ट थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको ये तौफीक हुई। वैसे नवाज शरीफ जिस ट्रंप से द्विपक्षीय बातचीत की आस लगाए रियाद गए थे, उस ट्रंप ने नवाज शरीफ को चंद सेकंड दिए और हाथ मिलाकर चलते बने, जबकि आतंकवाद का जिक्र आने पर ट्रंप ये कहने से नहीं चूके कि भारत समेत कई देश आतंकवाद के शिकार हैं। The nations of Europe have also endured unspeakable horror. So too have the nations of Africa and South America. India, Russia, China and Australia have all been victims. रियाद में पाकिस्तान की बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही थी, लेकिन जैसे इतना काफी नहीं था। ट्रंप ने हिजबुल्ला और हमास को आतंकवादी संगठन करार दे दिया और ईरान को अलग थलग करने की बात कही, यानी पाकिस्तान को उसके मुंह पर समझा दिया कि जो देश आतंकवाद फैलाएंगे अमेरिका उन्हें दुनिया के मंचों पर बेइज्जत करने से नहीं चूकेगा। विद गॉड्स हेल्प दिस समिट विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर दोज हू प्रैक्टिस टेरर and spread its vile creed. At the same time, we pray this special gathering may someday be remembered as the beginning of peace in the Middle East. Nawaz Sharif se zyada footage to Afghanistan ke rashtrapati Ashraf Ghani aur Bangladesh ke pradhanmantri Sheikh Hasina ko mil gayi.
ट्रंप और शाह सलमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की जंग लड़ने वाले पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। ग्लोबल सेंटर के इफ्तिताह पर भी वजीर आजम पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। अफगान सदर और बांग्लादेशी वजीर आजम सऊदी हुक्मरानों के साथ बगलगीर रहे, लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम कहीं नजर नहीं आए। पाकिस्तानी वजीर आजम आखिरी सफों में भी मौजूद नहीं थे। मुल्क है जो पूरी मुस्लिम दुनिया में अस्करी ताकत रखता है, उसे आपने बोलने की भी मैनेज नहीं किया, ना इन्होंने मैनेज किया, ना आपके होस्ट ने इतना समझा, जबकि हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ साउथ के सुना बड़े ताल्लुकात हैं। कहाँ बात की, किससे बात की? ये इंटरेक्शन कर, उन्होंने कहा इंटरेक्शन हुआ, जिसके ऊपर हमने आज ही थोड़ी देर पहले अमेरिकन एम्बेसी से अपने नुमाइंदे के जरिए राब्ता किया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कोई इंटरेक्शन प्लान नहीं था, जहां पे तमाम लीडरान अगर बैठे हुए थे तो कोई अगर मुलाकात हो गई हो तो वी कैन नॉट कमेंट। खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तान को अपनी नेट प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए, शायद कभी कोई कूटनीतिक गेंद उसके बल्ले पर आ जाए और नवाज शरीफ हर बार की तरह जीरो पर आउट होने से बच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही पाकिस्तान के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। पहले ट्रंप ने नवाज शरीफ के साथ अलग से मुलाकात नहीं की और अब अमेरिका पाकिस्तान को मिलने वाली मदद भी रोक सकता है। ट्रंप प्रशासन एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहा है जो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकता है। अमेरिका फिलहाल पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर हर साल करीब 6,400 करोड़ रुपये की मदद देता है, लेकिन अब जल्द ही अमेरिका इस रकम को लोन में बदल सकता है। ट्रंप प्रशासन द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक इजराइल और इजिप्ट को छोड़कर जो भी देश अमेरिका से मदद लेते हैं वो लोन के रूप में दी जाएगी। यानी अगर ये देश अमेरिका के मन मुताबिक काम नहीं करेंगे तो उन्हें दी गई पाई पाई ब्याज समेत वसूली जाएगी। अमेरिका वैसे भी पाकिस्तान को दी जाने वाली रकम हर साल कम करता जा रहा है और ये खबर आर्थिक तंगी से संघर्ष कर रहे पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है।